दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मैक्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स। चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल की मासिक बैठक बुधवार को लक्ष्मण क्लब परिसर में हुई, जिसकी अध्यक्षता काउंसिल के अध्यक्ष चंद्र सहगल ने की। बैठक के दौरान वक्ताओं ने जनपद की प्यास बुझाने के लिए जिंदा दफन होने वाली रानी सुनैना के समाधि स्थल मलूना के लिए निर्माणाधीन सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा करने की मांग उठाई है। उन्होंने साथ ही बालू पक्का टाला के सुधारीकरण कार्य को भी तेजी देने का आग्रह किया है। साथ ही शहर में निर्माणाधीन पार्किंग स्थल के निर्माण कार्य को भी तेजी देने का आग्रह किया गया है। बैठक हुई है, क्या कुछ मुद्दे? आज मीटिंग में सबसे पहले तो हमने जो नई गवर्नमेंट बनी है उनका धन्यवाद और अभिनंदन किया है, और हम ये आशा करते हैं कि चंबा से जो रजिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेशन हुआ है उनसे हमारी ये मांग रहेगी कि जितने भी प्रायोरिटी बेसिस चंबा के डेवलपमेंट के काम अधूरे या कुछ चले हुए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने के ये हमारी मांग रहेगी। यही मांग हमारी प्रशासन से भी है कि जो जरूरी काम जो अधूरे रह चुके हैं उसको प्रायोरिटी बेसिस पे पूरा किया जाए जल्द से जल्द। सर, सूही माता मंदिर के रास्ते को उसका भी हम प्रशासन और लेजिस्लेशन से चंबा के रिप्रेजेंटेशन से ये मांग करते हैं कि उसका काम भी जल्द से जल्द। और मुझे ये लगता है कि सूही माता का जो मेला अप्रैल में होता है उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये भी हमारी मांग रहेगी। अगली मीटिंग लक्ष्मण को चंबा में हुई। सदस्यों ने सबसे पहले नीरज नैयर, जो भी हाल ही में विधानसभा इलेक्शन में जिनको जीत हुई है उनको मुबारकबाद दी है, और उनसे हमने गुहार लगाई है कि चंबा के अंदर जो भी पेंडिंग काम है अगर इनको पूरा हो जाए तो चंबा एक अच्छा सुंदर शहर बन सकता है। जैसे सूही माता का मंदिर है, आपको पता है वहां से सड़क मार्ग का काम लगा हुआ है मलूना तक, तो हमने ये हिसाब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अगर सड़क सूही माता का मेला जो 11 अप्रैल को 2023 को है उससे पूरा हो जाए तो जो भक्त है उनको आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी। दूसरा, चंबा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की। पार्किंग काम चला हुआ है आजकल लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हुआ है, तो हमारी उनसे फ्री प्रार्थना है कि काम जो है अगर ये पूरा हो जाए तो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको आने जाने गाड़ी खड़ी करने की सुविधा हो जाएगी। इतना नहीं, चंबा के जो अपने लोग भी हैं वो भी जब बाजार में आते हैं हॉस्पिटल जाते वो भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तीसरा हमारा ये था कि ये जो अपने दिल्ली दरवाजे अपना कैफेटेरिया के नीचे जो दुकानें बननी थी रेडी फेडी के लिए फ्री दुकानें बन रही थी उसके लिए पैसा भी आ चुका पर किसी ने इसका स्टे ले लिया। हमारी निर्णय साहब से रिक्वेस्ट है कि इसका जो स्टे है इसको अपग्रेड कराया जाए और ये दुकानें अगर बन जाती हैं तो रेडी फेडी की दुकानें वहां शिफ्ट हो जाएंगी जिससे कि लोगों को चंबा में बाजार में आने जाने की बड़ी सुविधा होगी। और आखिर में ये जो सड़क बन रही है हॉस्पिटल बालू भाया पक्का टाला, अगर ये भी सड़क जल्दी बन जाती है तो आपको बता दें पठानकोट तीसरा जाने के लिए कम से कम 7 किलोमीटर और 1.5 घंटे का फर्क पड़ जाएगा, और इससे भी चंबा की जो ट्रैफिक जाम रहती है उससे भी हमें निजात मिलेगा। और हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो पूरी कोशिश करेंगे और ये जो हमें चंबा एक अच्छा खूबसूरत शहर बन सकेगा। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01892264713 पर।